अत्याचारी सास। प्रीति की शादी विकास नाम के व्यक्ति से हुई थी। जब से प्रीति ने ससुराल में कदम रखा था तब से उसके लिए मुश्किलें शुरू हुई थी। एक दिन उसके सास ने उससे कहा, बहू महारानी जी कहाँ हो, तुमने नाश्ता तो इतना खराब बनाया है, क्या कोई इसे खा पाएगा, कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रीति को उसके कहे शब्दों से बहुत बुरा लगा। इस तरह उसने प्रीति को किसी न किसी वजह से डांटा। एक दिन प्रीति के ससुर ने उसे कहा, प्रीति मैं तुम्हारे सास के बारे में अच्छे से जानता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम और तुम्हारा पति अलग घर लेकर रहने लगो, नहीं तो वो तुम्हें इसी तरह सताती रहेगी और तुम हमेशा दुखी रहोगी। लेकिन पापा जी हम ऐसा करेंगे तो कोई क्या कहेगा। अगर तुम सबके बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हारा जीवन अंधकार में भर जाएगा, समझो मैं ये क्यों कह रहा हूँ। उसने ऐसा कहा और वहाँ से चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे ही सास की यातना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो हमेशा प्रीति को डांटती थी और अब पीटने भी लगी थी। एक दिन उसने प्रीति से कहा, सभी काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या तुम्हारे लिए रोज की पिटाई काफी नहीं हो रही है, चलो जल्दी से काम पे लगो, कामचोर कही की। जब वो प्रीति को डांट रही थी तब उसके पति विकास ने सुन लिया और उसे देखकर, कुछ नहीं मेरे प्यारे बेटे, मैं तो बस उसे घर का काम समझा रही थी और सबके साथ मिलकर कैसे रहना वो बता रही थी। माँ मैंने सब सुन लिया है, आपने क्या कहा, पिताजी मुझे इतने दिनों से बता रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद से कि आप बदल जाएगी हम अलग नहीं होंगे, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप में इतनी सी भी मानवता नहीं है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, माँ हम चले जाएंगे ये घर छोड़कर। इस बीच प्रीति के ससुर भी वहाँ आ गए और उसने अपने बेटे की सारी बात सुन ली। बहुत अच्छा, कम से कम आज तुमने अपनी माँ की सच्चाई जान ली। इतने दिनों में तुमने एक बार भी प्रीति को कभी प्यार से बुलाया है, एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाया, जरा भी आराम नहीं। जब तुम बहू के रूप में घर आई थी तब मेरे माँ को भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए था, तब आता तुम्हें समझ में। क्या तुम अपनी आवाज क्यों उठा रहे हो, अगर तुम ज्यादा बात करोगी ना तो मैं हाथ भी उठाऊंगा। बेटा जाओ यहाँ से और अपने पत्नी के साथ अलग सुकून से रहो, जब तुम्हारी मम्मी को घर का सारा काम करना पड़ेगा ना तो उसे अपनी बहू की भलाई का अंदाजा हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। इस तरह उसने उनको विदा कर दिया। दोनों वहाँ से अपने नए घर चले गए। उस दिन से घर के सारे काम की जिम्मेदारी सास पर आ गई। हे भगवान मैं इस उम्र में ये सब काम कैसे कर सकती हूँ, जब मेरी बहू यहाँ थी मैंने उसे बहुत सताया, डांटा, पीटा और बहुत यातना दी, अब मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं उसे वापस आने के लिए कैसे कह सकती हूँ, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, अरे अब पछताओगी हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत, तुम्हें अपने कर्मों को भुगतना होगा, अब रोती रहो, उसने ऐसे कहा। दूसरी तरफ प्रीति अपने सास की यातना से दूर हो गई और अब अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी।